पानी का लेवल क्या डाउन होने से सभी जगह प्रभाव पड़ेगा, है ना? पानी का लेवल डाउन होने से क्या सभी जगह प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा करते हुए जाएंगे, है ना? हाँ, इस खेत में पानी है भाई, है ना? इसमें पानी है। हाँ, इसमें पानी, इसको छोड़ते हैं। देखियो, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पानी का लेवल डाउन होने से क्या सभी खेत में प्रभाव पड़ेगा या सभी एरिया में प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर है हाँ, एक ही आंसर है हाँ। अब रही बात, पानी का लेवल हर गांव में अलग अलग है भाई, एक ही नहीं है। किसी गांव में 100 फीट में पानी चल रहा है तो किसी गांव में 150 फीट में चल रहा है, तो किसी गांव में 200 फीट में चल रहा है, और कई गांव ऐसा है जहाँ 400 फीट से और नीचे जा रहा है लेवल, है ना? उस लेवल में पानी चल रहा है। तो अब मैं आप लोगों को यहीं पर एक अच्छी बात बता रहा हूँ, सुनना। और जहाँ पर पानी की धार मिलेगी वहाँ पर हम बता देंगे पानी है अगर, तो मैं आप लोगों को बताऊँ। देखो, यदि हम 100 फीट का पानी निकाल रहे हैं, है ना, यूज कर रहे हैं, तो मान कर चलिए नीचे इधर नहीं जा रहे, इसलिए नहीं जा रहे कि उधर कांटा कुटी बहुत ज़्यादा चलने लायक नहीं है, है ना? हम 100 फीट के पानी का यूज कर रहे हैं, तो मान कर चलिए कि कहीं और पानी का उबाल वहाँ उसमें आ रहा है। कैसे? हम 100 फीट का ही यूज कर रहे हैं, लेकिन कोई किसान भाई ऐसा है जो 150 फीट का यूज कर रहा है, कोई 200 फीट की गहराई का यूज कर रहा है। जब हम 100 फीट का यूज करके, यहाँ से मान ले 100 फीट है यहाँ से निकाल रहे हैं, तो कोई किसान और 150 फीट का यूज कर रहा है, तो उससे और ज़्यादा ड्रिलिंग हुई है, फिर उसका और किसी और किसान को उससे ज़्यादा ड्रिलिंग हुई है। इस तरह से नीचे का पानी उबाल आता है, है ना? तो 100-200 फीट का पानी 150 फीट में भी बहेगा, 150 फीट का पानी 100 फीट में बहेगा, 100 फीट का पानी 50 फीट में बहना शुरू हो जाता है, है ना? इस तरह नीचे का पानी ऊपर चढ़ता रहता है। अब जब ऊपर के पानी का लेयर डाउन हो जाता है ना, तो मान के चले कि नीचे का भी डाउन होगा। क्यों? ऊपर उबाल नहीं दे पा रहा है, और नीचे लेवल का पानी भी सामने वाला किसान यूज कर रहा है, या कोई आदमी यूज कर रहा है, कोई इंडस्ट्री यूज कर रही है, तो वो भी तेज़ी से खींचेगा, है ना? तो उसमें भी नीचे भी हर एक खिंचाव होता जाएगा। अब एक बार ऊपर वाले तो डाउन हो गया है, उसका ऊपर वाले का डाउन हो गया है, और नीचे वाला खींचे रहे हैं, और जितना और ऊपर आना था वो भी सब डाउन हो गया, है ना? और उसके बाद क्या होगा, 100 फीट के डाउन होने के बाद 150 फीट का डाउन हो जाएगा, 150 फीट का डाउन होने के बाद क्या होगा, 200 फीट वाले का ऊपर आएगा, है ना? तो उसका भी कोई खींचने वाला है, तो फिर उसका भी डाउन हो जाना होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से सबका पानी डाउन होगा लेवल, है ना? सबका डाउन होगा। ऐसा नहीं कि 100 फीट वाला, हम लोग कहते हैं ना उस लाइन का पानी का लेवल डाउन हो गया, वो आज उस लाइन का हुआ है, कल इस लाइन का होगा, कल उस लाइन का और हो जाएगा, है ना? क्योंकि पानी का जो लेवल है वो सभी जगह प्रभावित करता है। जैसे कि शरीर का एक नस काट दो, वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, तो ब्लड निकल के पूरे शरीर पे इफेक्ट करेगा ना भाई, वैसी है वो। ऐसा नहीं कि एक ही नस का पानी ब्लड निकलेगा, बाकी वहाँ बाकी नस से कोई कनेक्ट नहीं, ऐसा नहीं है भाई। सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं एक दूसरा से, है ना? इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई ये जो लेवल वाला बात है ना, केवल 100-150-200 तक सीमित नहीं है, ये सबको प्रभावित करता है ये, है ना? अब रही बात, जांच कब कराना चाहिए? जांच तभी कराओ जब पानी का ऊपर का भी लेवल आपको मिले और नीचे का भी लेवल मिले। जैसा कि अप्रैल मई के महीना में आप जांच कराओगे तो ऊपर का लेवल आपको पता नहीं चलेगा या कम चलेगा, जैसे कि वहाँ पर पानी है, हो सकता है कि हम जब लेवल रहे उस समय आएंगे तो वही पानी 3 HP का लायक बता दे, और उस समय ड्रिलिंग करोगे 3 HP का मिलेगा, और आज कंडीशन ये है कि वहाँ मुश्किल से 1 HP का पानी चलेगा, है ना? क्योंकि उसमें वजन कम है, बहाव है लेकिन वजन कम है, है ना? इसलिए आज वो प्रभाव नहीं डाल पा रहा है जाँच करने वालों के ऊपर। पानी तो मिलेगा, आज जांच कर रहे हैं 1 HP का निकल जाएगा, फिर आप बोर को पाड़ दोगे पानी नहीं निकला, अगर फिर पता चले कि बरसात में वही 3 HP का चले, है ना? ये कंडीशन होती है। मैं इधर जा रहा हूँ भाई, थोड़ा सा रुको, है ना? तो ये है, तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि
लेवल जो है सभी जगह प्रभावित करता है। हम भले 100 फीट से पानी निकाले या 150 फीट से निकाले, 200 फीट से ये मायने नहीं रखेगा। ठीक है, हम 100 फीट का निकाल रहे हैं, दूसरा 150 फीट का निकाल रहे हैं, तीसरा आदमी 200 फीट का, कि चौथा आदमी 250 फीट का, सब निकाल रहे हैं। जिस जिस के एरिया में जैसे जैसे सुविधा है उस हिसाब से सब निकाल रहे हैं। सबको प्रभावित होना पड़ेगा, पहले ऊपर वाले का होगा, फिर उससे नीचे वाले का, फिर उससे नीचे वाला, सबका डाउन होते जाएगा, है ना। और जब हम गर्मी में, अच्छा गर्मी, जैसे कि अप्रैल मई महीना में जांच कर रहे हैं, तो ऊपर का लेवल हमको पानी नहीं बता रहा है, जैसे कि इस खेत में भी नहीं बता रहा है, ये बाकी जगह नहीं बता रहा, सिर्फ एक जगह बताया एक HP के लायक, और हम ज़्यादातर ही सब घूम चुके हैं, यहाँ नहीं बता रहे हैं। तो भाई इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, है ना, इस चीज़ को याद रखना। ये हल्का हल्का नहीं है, ये हल्का हल्का है ना। ये वही पानी है जो उधर पानी उधर से मिला था ना, वही पानी इधर सीधे ही आई हुई है, वही है। अभी हल्का हल्का चल रहा है, धीरे धीरे, है ना, उठ रहा है, धार है वहाँ पर, कंटिन्यू धार है, भी अभी धार बह रही है, ये उसी धार का असर है ना। लेकिन इसी को हम चेक करेंगे, इसी को चेक करेंगे तो बरसात में ज़्यादा बताएगा, या लेवल अच्छा रहेगा, जैसे कि जनवरी फरवरी में अच्छा बताएगा, उस समय पानी अच्छा निकलेगा, कंटिन्यू निकलेगा। लेकिन आज की स्थिति में धाराशाही हो जा रहा है, ये वही धारा है जो आई है हुई है ना। कहीं कहीं हम घूमते हुए उसी धार पर टच कर रहे हैं, क्योंकि बस किनारे से आई हुई है वो, ऐसा है भाई। तो मेरे कहने का अभिप्राय यही है भाई, किसान भाई लोग, कि आप लोग ये धोखे में मत रहना कि 100 फीट का ही लेवल डाउन हो रही है, 150 फीट हो रहा है, 200 फीट का हो रहा है, ऐसे दुविधा में मत रहना, है ना, क्योंकि असर सबको पड़ेगा भाई, सबके ऊपर असर रहेगा, केवल एक ही आदमी के ऊपर असर रहेगा ऐसा नहीं है। इसका जो प्रभाव सबके ऊपर है, जैसे कि यहाँ पर ये नस है, कई नस जुड़ी हुई है ना, एक को काटोगे तो क्या बाकी उससे प्रभावित नहीं होगा, होगा, हाँ। इसी तरह से सब जुड़े हुआ है, एक दूसरे से जुड़े हुए, सब एक दूसरे के अनुपूरक है ना, जैसे कि ये अपना शरीर का एक उंगली है, ये उंगली, सब एक दूसरे के अनुपूरक, सब मिलकर एक बॉडी बनी हुई है, वैसी एक एक बूंद सब मिलजुल कर बनी हुई है प्रकृति का। तो भाई सबको प्रभावित होना है, ये मत सोचना कि बस इस एरिया वाले हो रहा है, उस एरिया वाली हो रही, इसमें निकल गया, ऐसा नहीं है। अब कई लोग ये बोलते हैं कि गर्मी के मौसम उधर पानी निकला, ठीक है, उस लेवल में भी चल रही है, और इसी खेत में देख लो बाकी हिस्सा सूखा, और इसे इस एरिया का बहुत सा एरिया सूखा हो गया, आखिर में पानी ही नहीं है, इसमें भी मुश्किल से 1 HP का निकलेगा। वो बोलेगा सॉरी भाई 3 HP का निकाल दो, तो डबल डाउन होगी, कहाँ से निकलेगा, नहीं निकलेगा, है ना भाई, ऐसा है। नीचे में भी नहीं है, क्यों नीचे में भी नहीं बता रहे, कई लोग बोलते हैं कि नीचे का लेवल पकड़ो, नीचे का पकड़ो, भाई जितने पानी की धार थी इस लेवल में आदमी की पहुंच तक, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहाँ 100 फीट वाला लेवल डाउन हो गया तो कोई 150 वाला खींच रहा है, वो निकल गया, है ना। अब कहीं कहीं हर नारियल हल्की हल्की वो बता रहा है, हल्की हल्की वो उछल रहा है, तो यही अगर अच्छा पानी रहेगा, पानी का लेवल रहेगा, उस समय आप करोगे तो फिर अच्छा बताना शुरू कर देगा, लेकिन आज तो नहीं कंडीशन। तो भाई आप लोग एक चीज़ है कि पानी का लेवल डाउन एक ही आदमी को होगा, एक ही चक में होगा, ऐसा मत कहना, सब एरिया प्रभावित होगा, बशर्ते यह है आज इसका होगा, कल उसका होगा, उसका होगा, फिर लाइन लगेगा भाई, एक चीज़। दूसरी चीज़, जब आप पानी जांच कराते हो तो उस समय जांच कराओ जिस समय पानी का लेवल धरती में अच्छा रहता है, जैसा कि अमूमन कहा जाए तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च है, ये 4 महीना अच्छा रहता है। आप अप्रैल में आ गया, पानी नहीं बता रहा, यहाँ कम बता रहा, हम इतने में तो पॉइंट नहीं देते, ठीक, या हो सकता है 2-3 और पॉइंट का धार का मिक्सचर रहता, वो भी मिलता, वो भी नहीं मिलेगा, आज सब डाउन हो गई है। तो आप लोग ये अप्रैल में कराओगे ना तो थोड़ा सा रिस्की रहता है, इसमें गुना भाग करने में थोड़ा दिक्कत होती है, और जहाँ पानी है तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम पानी है वहाँ दिक्कत खड़ी हो जाती है सब के लिए, केवल सॉरी भाई के लिए नहीं, सॉरी भाई तो इतना खोज के निकाल लेता है, बाकी लोगों का तो दाल निकलेगी, हाँ, है ना, धुल उड़ा कर चले जाएंगे, बाकी लोग क्या करते हैं, पॉइंट बता देंगे, भाग जाएंगे, बुलाओगे तो मोबाइल बंद, निकल जाएगा पानी, तब वो बोलेगा हाँ आ रहेगा, कर आ जाएगा, दान दक्षिणा लेने के लिए, नहीं तो फ़ोन भी नहीं उठाते, ब्लॉक कर देते हैं, सॉरी भाई ऐसा नहीं कहता, सामने बैठा रहता है, ये दोनों में अंतर है भाई, तो दूसरे की तुलना अपने साथ मत करना। तो भाई हमने आपको बता दिया है जनवरी फरवरी मार्च तक, है ना, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक आप अच्छे से जाँच करवा लीजिए, बोर ड्रिलिंग का काम करवा लीजिए, इधर भी करवाएं, पानी अच्छा मिल रहा है, धार अच्छा पता चल रहा है तब करवाएं, है ना। अब पता चले कि धार पता नहीं चला, धार ही गायब हो गई है या सूख गई है या बैठ गई है उसका, तब की कंडीशन में फिर वहाँ रिस्क मत ले,
फिर कुछ दिन रुक जाइए, 4 महीना फिर रुक जाइए, है ना। उसके बाद फिर वही नवंबर दिसंबर के समय या फिर जनवरी के समय आप फिर जाँच करवा लेना, उस समय पूरी लेबर रहती है, उस समय आपको यूज कर लेना भाई, बोर ड्रिलिंग करवा लेना, पानी अच्छा मिलेगा। लेकिन आज की स्थिति में जब नहीं मिल रही तो जोर जबरदस्ती नहीं करना, क्योंकि मैं ये देखा हूँ कई किसान लोग यही करते हैं। सॉरी भाई यहाँ नहीं बताया है, वहाँ किसी और आजू बाजू के किसान लोगों को क्या बोलते हैं पानी जांच करने वालों को बुला लेते हैं। आजकल तो कंप्यूटर से 3D मैपिंग वाला चल रहा है, उन लोगों को बुला लिए, है ना। आखिर में क्या हुआ, सूखा धूल उड़ी, हासिल कुछ नहीं आया। उसके बाद बोलते हैं दुख रोने के लिए, सॉरी भाई मेरे बोर में धूल उड़ गया तो मेरे पास फ़ोन क्यों लगा रहे हो, मैं खाली थोड़े बैठा हूँ कि आंसू पोछने के लिए आ जाऊँ रुमाल पकड़ के, है ना भाई। अरे बता दिया नहीं है पानी, सो नहीं है, अब धूल उड़ रही है, दूसरे से जांच करवा रहे हो तो उड़ने दो ना, मेरा बाप कौन से बाप का जाएगा भाई। आपका शौक है कराने का, शौक था उड़ गई धूल, सो उड़ गई, अब हम आपके चक्कर में कहाँ अपना समय बर्बाद करें, है ना भाई। हाँ तो भाई जल्दबाजी मत करो, जिसके एरिया में पानी पता नहीं चल रहा है ना, 4 महीने रुक जाओ, बरसात के बाद जब लेबल अच्छा रहता है उस समय कराना। मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ, यहाँ किसी बहुत लोगों को दुख लगता है, लेकिन मैं बात सही सही बोल देता हूँ, है ना भाई। अच्छा लगा हो यार तो भी ठीक, और बुरा लग गया हो भाई तो कोई दो मत की बात ही नहीं है, सॉरी भाई, है ना। तो फिर मिलेंगे यार हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार।